9 मई के वाकयात में नामजद मियां असलम इकबाल के गिर्द पुलिस का घेरा तंग। पुलिस ने साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। मियां अकरम इकबाल को समनाबाद से हिरासत में लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, 9 मई के वाकयात में नामजद मियां असलम इकबाल के गिर्द पुलिस का घेरा मसी तंग हो चुका है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, 9 मई के वाकयात में नामजद मुल्ज़िम मियां असलम इकबाल के गिर्द पुलिस ने जो है वो घेरा तंग किया हुआ है। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के बड़े भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मियां असलम इकबाल को समनाबाद से हिरासत में लिया गया है और मियां असलम इकबाल को DSP CAKN ने जो है वो हिरासत में लिया है। मियां असलम इकबाल जो है घर में कैमरे लगवाने के दौरान जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली, इसके बाद पुलिस ने जो है वो छापा मारकर मियां असलम इकबाल के जो भाई हैं मियां अकरम इकबाल उनको जो है वो हिरासत में ले लिया। इस वाले से पुलिस राय का कहना है कि मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इस वाले से मियां असलम इकबाल जो है वो रिपोर्ट हैं 9 मई के वाक़े के बाद और उनके जो तमाम मोबाइल नंबर्स हैं पुलिस राय के मुताबिक वो भी बन जा रहे हैं। और इस वाले से जो है वो मियां असलम इकबाल को पुलिस तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ताहल वो मियां असलम इकबाल का पता नहीं लगा सके हैं। इस वाले से पुलिस का ये दावा है कि मियां असलम इकबाल को जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भाई गिरफ्तार किया है मियां असलम इकबाल उससे तफ्तीश की जाएगी और उससे तफ्तीश के दौरान जो है ये अगलवाया जाएगा कि मियां असलम इकबाल जो है वो कहाँ रिपोर्ट है। और उससे तफ्तीश के बाद जो है मियां असलम इकबाल को पुलिस से कहना है कि गिरफ्तार किया जाएगा। मियां असलम इकबाल के साथ थाना सरवर रोड में दहशतगर्दी समेत दिगर संगीन दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज है और उसके बाद पुलिस ने जो है वो PTI के दिगर रहनुमा एजाज चौधरी, महमूद रशीद और इसके अलावा जो डॉक्टर यासिन राशिद समेत को गिरफ्तार कर लिया था, उनका जो है वो उनसे तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। और दीगर जो कारकुन हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था और 1900 करीब जो कारकुन हैं वो लाहौर से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जना हाउस और SP टावर पर गुलाव गुलाव करने वाले और तोड़ फोड़ करने वाले मुजमान भी शामिल हैं। इसमें जो है कुछ खवातीन को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। तो इस वाले से पुलिस का कहना है कि मियां असलम इकबाल को भी जल्द गिरफ्तार के लिए कर लिया जाएगा। कुछ क्ल्यू भी पुलिस का ने पुलिस राय ने यह दावा किया है, कुछ क्ल्यू भी उनके पास आए हैं और जल्द वो जो है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद और रिवायती पुलिसिंग के जरिए जो है वो मियां असलम इकबाल तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पुलिस का बहुत शुक्रिया।